झारखंड में 100 करोड़ का घोटाला, टेंडर घोटाला है। अभी ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर का घोटाला खुला ही है। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया, मंत्री का 12वां पद भी खाली हुआ जिस पर इरफान अंसारी साहब सुशोभित किए गए। अब वहीं दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी ने नया हमला बोल दिया है। तमाम आंकड़ों के साथ आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पथ निर्माण विभाग में 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा कर दिया है और ये आंकड़े दस्तावेजों में दर्ज है माफ कीजिएगा, बीओक्यू की राशि से, प्राकृत राशि से ज्यादा बढ़कर संवेदकों को लाभ पहुंचा रहा है आरसीडी। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अपने चहेते ठेकेदारों को, जो बीएक्यू की न्यूनतम राशि है उसमें कई लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव माना जा रहा है, और कुछ संवेदकों को बीओक्यू की राशि से कई परसेंट बढ़कर 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए बढ़कर काम का आवंटन कर रहा है। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में टेंडर के नाम पे खेला हो रहा है और सारा दायित्व, सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी टेंडर कमेटी पर डाल दिया जा रहा है। 106 करोड़ 69 लाख के घोटाले का खुलासा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आंकड़ों के साथ किया खुलासा। ईडी से सांसद ने की लिखित शिकायत, ईडी जल्द दर्ज कर सकती है ईसीआईआर। ईडी के साथ सीबीआई मुख्य सचिव और आरसीडी सचिव को भी शिकायत। सुनील कुमार है पथ निर्माण विभाग के सचिव, सुनील कुमार के कार्यकाल में ही हुआ है टेंडर घोटाला। बीओक्यू राशि से ज्यादा राशि पर किया जा रहा है टेंडर अलॉट। सफेद पोषों के चाहते ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुंचा रहा आरसीडी। नियमों को ताक पर रख बढ़ा दी जा रही टेंडर की राशि। राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड गोड्डा में 74 करोड़ 81 लाख का काम, इस काम की बीओक्यू राशि 68 करोड़ रुपए थी। जय माता दी कंस्ट्रक्शन को 30 करोड़ 90 लाख का काम, इसकी बीओक्यू राशि 28 करोड़ 74 लाख रुपए थी। अरविंद कुमार सिंह को 19 करोड़ में काम आवंटित। गंगा कंस्ट्रक्शन को 134 करोड़ में काम। एडी इंफ्रा को 29 करोड़ 48 लाख में। राजवीर कंस्ट्रक्शन को फिर से दुमका में 89 करोड़ 99 लाख का काम। मिनी कंस्ट्रक्शन को 50 करोड़ 31 लाख का काम। डीआरए आईपीएल को जमशेदपुर में 252 करोड़ का काम। एके इंफ्रा को रांची में 8 करोड़ का काम आवंटित। एसआरई एंड एसोसिएट को रांची में 105 करोड़ का काम आवंटित। स्वर्णिम कंस्ट्रक्शन को रामगढ़ में 17 करोड़ का काम। पूजा हमिंग बर्ड डीसी के नाम की कंपनी को लातेहार में 67 करोड़ का काम। यह आप चिट्ठी देख रहे हैं, राम चंद्र प्रकाश चौधरी ने चिट्ठी लिखा है प्रबंध निदेशक को, ईडी के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा है सुनील कुमार ने, सीबीआई को चिट्ठी लिखा है चंद्र प्रकाश चौधरी ने। गिरिडीह के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, आपसू से सांसद, काफी मुखर होकर काफी दस्तावेजों के साथ ये बड़े आरोप लगाए हैं। बड़ा मामला है, सफेद पोशों के चहेते ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुंचाने के लिए आरसीडी इस तरीके के हथकंडे अपना रही। हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं टेंडर की प्राकृत राशि और टेंडर जो आवंटित किया गया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि खास करके आरसीडी डिपार्टमेंट में, पथ निर्माण विभाग में टेंडर को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं बरती जाती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीओक्यू के ऊपर नीचे करके अकॉर्डिंग टू जो पसंदीदा क्लाइंट होते हैं इनके, उनको टेंडर दिया जा रहा है और इससे राज्य को भारी राजस्व की क्षति हो रही है। हमने इसको लेकर सचिव पथ निर्माण विभाग से संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई पक्ष देने से साफ मना किया और कहा कि जो टेंडर कमेटी होती है उसके प्रमुख होते हैं पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख और वही डिसाइड करते हैं कि टेंडर किसको अलॉट किया जाता है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, कमेटी है जो डिसाइड करती है। बहरहाल कमेटी के प्रमुख तो
अभियंता प्रमुख हैं और वो इस वक्त चैम्बर में है नहीं, कहाँ गए हैं सर, कहाँ गए हैं? साहब अभी आए नहीं है, वो ऑफिस में आए नहीं, मीटिंग से लौटे नहीं है, मीटिंग से लौटे नहीं है। अब तो 4:30 बज गया है, ठीक है। बहरहाल हमने पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का बार बार प्रयास किया, लेकिन वो ऑफिस में नहीं है। कैमरामैन देवाशीष के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत रांची। तो चंद्र प्रकाश चौधरी साहब ने आरोप लगा दिया है, आरोप रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पे है, पथ निर्माण विभाग पर है। आरोप एक ऐसा आम आरोप है जो हर व्यक्ति जानता है झारखंड का जुड़ा हुआ, कि टेंडर में घोटाले कैसे होते हैं। दरअसल जो प्राकलित राशि होती है, जो राशि का प्राकलन किया जाता है कि इतनी राशि में इस टेंडर को पूरा किया जाएगा, उस राशि से बढ़कर राशि काम का आवंटन किया जा रहा है, आवंटित किया गया है। और जो आंकड़े चंद्रप्रकाश चौधरी साहब पेश कर रहे हैं वो करीब करीब 106.69 करोड़ के आंकड़े हैं, और इनमें ज्यादातर 2-3 नाम हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। राजवीर कंस्ट्रक्शन, मेदस के इंफ्रा, एडी इंफ्रा, गंगा कंस्ट्रक्शन, इस तरीके के जो नाम है, इन लोगों को बार बार प्राकलित राशि से बढ़कर काम का आवंटन किया गया। आरोप गंभीर है, जांच की मांग कर दी है केंद्रीय जांच एजेंसियों से। बाबूलाल मरांडी साहब ने भी कह दिया है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, कई सारे मामले आ गए हैं। एक बार हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 106.69 करोड़ का घोटाला आरसीडी में, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, अभी ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर का घोटाला खुला ही है, नोटों का एक पहाड़ मिला ईडी को, जिसके बाद आलमगीर आलम साहब गिरफ्तार हुए और उनकी गिरफ्तारी के बाद 12वां पद भी खाली हुआ, इरफान अंसारी साहब सुशोभित किए गए वहां, और अब पथ निर्माण विभाग में निकलकर आ गया घोटाला। पथ निर्माण विभाग में 106 करोड़ का घोटाला तो खुद सांसद महोदय लिखित तौर पर जारी कर दिया उन्होंने कि इतने का घोटाला हुआ है। राकेश, देखिए गंभीर सवाल है, और ये सवाल सिर्फ मौजूदा वक्त में पथ निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखेंगे तो झारखंड के ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग विभाग है वहाँ इसी तरीके का जो एक नेक्सस बना के पूरा खेल खेला जा रहा है। अभी जो ताज़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसका जिक्र चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह से सांसद है आसू का, उन्होंने किया है, और उन्होंने पूरा जो लेखा जोखा जो दिया है उसमें तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा टेंडर घोटाला हुआ है। इसमें ये दिखाया गया कि कैसे जो प्राकृत राशि है उससे ज़्यादा के दर पर काम का जो है आवंटन अपने चहेते ठेकेदारों को दिया गया। तो ऐसे कई नाम हैं इस पूरे लिस्ट में जिनको प्राकृत राशि से ज़्यादा दर पर काम दिया गया है, मसलन 5-6% अप जाकर काम मिला है ऐसे ठेकेदारों को। और आमतौर पर ये परिपाटी रही है, अभिषेक आप भी इससे वाकिफ होंगे, कि ज़्यादातर जो ठेकेदार होते हैं, जो संवेदक होते हैं, वो लो प्राइस पे काम करते हैं। मौजूदा वक्त में यही परिपाटी झारखंड में चल रही है, कोई 5% बिलो जाके काम करता है, कोई 10% करता है, कोई 15% करता है। हर विभाग की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, ग्रामीण का अलग है, पथ निर्माण विभाग का अलग है, पेयजल स्वच्छता विभाग का अलग रेट है, तो हर विभाग का अपना रेट है। और जो मौजूदा जो स्थिति है झारखंड में, उसमें ज़्यादातर संवेदक जो है वो लेस प्राइस पर जाकर काम उठाते हैं, लेकिन यहाँ मामला जस्ट उल्टा है। यहाँ एबव प्राइस पर जाकर काम दिया गया, 5% कहीं 6% एबव प्राइस पर काम मिला है। तो ये पूरा आप देखेंगे कि इसमें पूरा एक नेक्सस काम करता है, जिसमें बड़े अधिकारी से लेकर छोटे स्तर के अधिकारी और वो तमाम संवेदक जो इनके चहेते होते हैं, और इनके बीच में ही कामों का बंटवारा होता है। ये जो 100 करोड़ के आसपास का जो घोटाले का जिक्र चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने पत्र के माध्यम से किया, उसमें अगर आप देखेंगे तो 3-4-5 ठेकेदार ही ऐसे हैं जिनके बीच ही कामों का आवंटन हुआ है, और एक एक ठेकेदार ऐसे हैं जिनको 2 या 3 काम मिले हैं। किसी को अगर ए में काम मिला है तो बी में काम नहीं मिला है, उस बी वाले को फिर सी में काम मिला है। तो इसी तरह का ये पूरा जो नेक्सस है, इस तरीके का काम किया है। और फिलहाल चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मामले का उजागर करते हुए इसकी शिकायत ईडी से की है, सीबीआई से की है, जो आरसीडी विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी लिखित शिकायत की गई है, मुख्यमंत्री सचिवालय निगरानी विभाग को भी इसकी कॉपी दी गई है, और राज्य के मुख्य सचिव को भी इसकी जानकारी दी गई है। अब ये देखना होगा कि न्यूज 11 के इस खुलासे के बाद क्या वो तमाम
टेंडर रद्द होंगे या फिर उन पर इसी तरीके से कुंडी मारकर अधिकारी बैठे रहेंगे। तो एक बड़ा सवाल है, गंभीर विषय है और ये गंभीर मामला बनता है क्योंकि 100 करोड़ जो पैसे हैं वो राज्य सरकार के पैसे हैं जिस पर इन अधिकारियों ने एक तरीके से हड़पने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि इस खुलासे के बाद, न्यूज़ 11 के इस खुलासे के बाद इस पर विभागीय सचिव क्या कुछ एक्शन लेते हैं, सरकार के तरफ से क्या कुछ डायरेक्शन आता है या फिर इसको इसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। अभिषेक, और चंद्रप्रकाश चौधरी साहब ने गंभीर आरोप लगाया है। अभी अभी आपने कहा कि कई विभागों ऐसे हैं या ये भी विभाग है जहां सरकार की राशि बचनी चाहिए, प्राकृत राशि से बिलो जाकर भी टेंडर लिए जाते हैं। यहां पर जो खेल हो रहा है आरसीडी में वो ये हो रहा है कि जो लोग जो संवेदक बीओक्यू से कम राशि में टेंडर कोट कर रहे हैं उनको नॉन कॉम्प्रिहेंसिव बताकर हटा दिया जा रहा है, उनको टेक्निकल बीड में या फिनेंशियल बीड में किसी भी समय हटा दिया जाता है। और खास चहेते संवेदकों को जिनमें राजवीर कंस्ट्रक्शन है, गंगा कंस्ट्रक्शन है, अरविंद कुमार सिंह है, जय माता दी कंस्ट्रक्शन है, मिनी कंस्ट्रक्शन है, इसके इंफ्रा एडी इंफ्रा कई तरह कई तो जेवी करके भी आए हुए हैं, इनको काम दिया जा रहा है। 200 करोड़, 300-300 करोड़ रुपयों का काम है राकेश। और आप समझ लें कि 200 करोड़ में अगर 5% भी बढ़ाया जा रहा है तो कितनी राशि बढ़ाई जा रही है और क्यों बढ़ाई जा रही है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों बढ़ाई जा रही है। हमने कांटा टोली वाले रोड पर भी सवाल उठा था कि वो भी काम 224 करोड़ बढ़कर चला गया था, कुछ टेक्निकल उसमें खामियां दिखाते हुए, टेक्निकल सुधार करते हुए, लेकिन प्राकृत राशि से करीब करीब जितने काम सांसद महोदय ने दिए हैं करीब करीब 15 से ज्यादा कामों में राशि बढ़ाई गई है, लागत 106 करोड़ से ऊपर बढ़ गई है राकेश। तो ये नॉन कॉम्प्रिहेंसिव बोलकर छांटने का खेल, ये तो काला खेल है ना। क्योंकि आमतौर पर वैसे ही संवेदक को काम मिलता है जो L1 होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए लो प्राइस में जिन लोगों ने टेंडर डाला उनको किन्हीं कारणवश छांट दिया गया और अपने जो मनचाहे जो चहेते ठेकेदार थे उनको एबब में काम दिया गया। तो पूरी तरीके से एक नेक्सस काम कर रहा है इसमें और ये परिस्थितियाँ सिर्फ आरसीडी में मौजूदा वक्त में नहीं है, आप देखेंगे कि यही परिस्थिति ग्रामीण विकास विभाग में भी है, पेयजल स्वच्छता विभाग में भी है, तो हर वह जगह है, जल संसाधन विभाग में भी है, तो हर विभाग में इसी तरीके से एक नेक्सस मौजूदा वक्त में काम कर रहा है। अब चूंकि ये मामला प्रकाश में आया है कि किस तरीके से एभव जाकर काम मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पर ये परिपाटी रही नहीं है, आप बहुत होता है तो आपको जो मिनिमम प्राइस है उस पर काम आपको मिल सकता है या फिर जो शेड्यूल रेट है उस पर आपको काम मिल सकता है, लेकिन एभव जाकर काम मिलना ये बड़ा सरप्राइजिंग, बड़ा आश्चर्य करने वाला विषय है। और यही वजह है कि इस तरीके से जो टेंडर मैनेज किया गया है उसमें करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, सुनील कुमार साहब से हमारे सहयोगी शहनवाज ने बात करने का प्रयास किया, सुनील कुमार साहब ने ऑफिशियली कुछ कहने से मना कर दिया और कहा कि टेंडर कमिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो अभियंता प्रमुख होते हैं, विभागीय सचिव का काम क्या होता है राकेश? और ये सुनील कुमार साहब वही है ना जो मनरेगा घोटाले में आरोपी है, ईडी जिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, बिना विभागीय सचिव के सहमति के इतना बड़ा टेंडर किसी भी संवेदक को नहीं मिल सकता है, जिसको आप कह रहे हैं राजवीर कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, अगर उनके देखेंगे रिकॉर्ड को देखेंगे अभिषेक, तो 100 करोड़ 110 करोड़ से ज़्यादा का काम उनको संथाल परगना में मिला है, दुमका में मिला है, साहेबगंज में मिला है, तो ये ऐसे ही नहीं मिलता है। जब तक आपका एक तरीके से आप कहें कि जब तक आप ऊपर तक आपका पहुंच नहीं है तब तक इस इतने बड़े काम आपको आवंटित नहीं हो सकते हैं। तो इसमें विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग जो हैं वो पूरा एक नेक्सस चलाते हैं और फिर उन ठेकेदारों को चयनित किया जाता है जो ठेकेदार इनके गुडबुक में होते हैं और उन्हीं के बीच में कामों का आवंटन किया जाता है। ये सही है कि जो कमिटी होती है जो टेंडर डिसाइड करती है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो अभियंता प्रमुख होते हैं, तो अभियंता प्रमुख का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मुख्य अभियंता का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो टेक्निकल हेड होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है टेंडर डिसाइड में। तो पूरी एक कमिटी होती है जो इस टेंडर को डिसाइड करती है, तो इसमें विभाग जो टेंडर से जुड़े हुए लोग हैं चाहे वो अभियंता प्रमुख हो, मुख्य अभियंता हो। राकेश, 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी साहब, आपने जो आज आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं,
आरसीडी में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 106 करोड़ 69 लाख से ज्यादा का टेंडर घोटाला दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर ये जो टेंडर का जो खेल है ये लगातार जब से सरकार बना है जी तब से यह खेल हो रहा है। किसको टेंडर देना है वो चॉइस के हिसाब से टेंडर मिला है और सारे टेंडर अवैध में दिए गए जी। जो जिनको चाहते को देना है सिर्फ उनका टेंडर खुलता है, उनके सपोर्ट वाले का खुलता है, बाकी लोगों का रिजेक्ट होता है। एक कहीं पे रिजेक्ट हो रहा है तो कहीं पे क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा हेरफेर हुआ है। हमको लगता है कि झारखंड का सबसे बड़ा टेंडर घोटाला यदि हुआ है तो आरसीडी डिपार्टमेंट में हुआ, जिसका हमको सूचना मिला, जानकारी मिला और हमने सचिव को, मुख्य सचिव को भी इसके लिए हमने चिट्ठी लिखा। इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए ताकि सरकार का जो राजस्व है इसको नुकसान हो रहा है और जिसको बिना पेपर का भी काम दिया गया है और जो क्वालिफाई नहीं कर रहा उसको भी काम दिया गया। इस तरह के कई एक हमारे पास उदाहरण भी है और उसके साथ साथ जो चहेते ठेकेदार जो है जो 3 सपोर्टिंग डालते हैं, बाकी जो 7 यदि कोई टेंडर डाला है तो उसका टेंडर भी नहीं खुलता, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वही रिजेक्ट किया हुआ लोगों को फिर दूसरे टेंडर में यदि उनका सेटिंग हो गया है तो फिर उनका खुलता है तो दूसरे का रिजेक्ट होता है। इस तरह का टेंडर का खेल हुआ है और भरपूर मात्रा में आरसीडी डिपार्टमेंट में यह खेल हुआ है जी। सांसद महोदय, जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ इसमें कुछ का नाम है जैसे राजवीर कंस्ट्रक्शन, एमएस जय मातादी कंस्ट्रक्शन, अरविंद सिंह कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एड इंफ्रा, इनको हर समय राशि जो है प्राकृत राशि से बढ़ाकर काम आवंटित किया गया। एक भारत बानी जी भी है जिसके साथ इस तरह का अभी टेंडर हाल में दिया गया है जिसको 8.5% भी एवं में दिया गया है। मतलब इसी तरह से पूरे जितने भी आप देखे होंगे कि सारे लोगों को एवं में 8% 9% एवं तक में काम दिया गया है और बीच का जो सभी लोग अपना अधिकारी और सभी लोग मिलकर इसका बंदरबान किए। सांसद महोदय, हमारे सहयोगी ने बात किया सचिव सुनील कुमार से बात करने का, जिनको आपने आदेश पत्र दिखा है, जांच के लिए कहा है। उनका कहना है कि ये काम टेंडर कमेटी के प्रमुख, अभियंता प्रमुख होते हैं, उनका काम है, सचिव महोदय का काम नहीं है। लेकिन सचिव महोदय पर तो सचिव विभाग के हेड होते हैं, सचिव विभाग के हेड होते हैं, यदि उनके कान में गया है तो जांच करवाएं, यदि हमने प्रमाण के साथ दिया है तो उनका जांच करवाएं। और पूरा हमको नहीं लगता ये, चूंकि राज्य सरकार खुद इन्वॉल्व है, विभाग के पदाधिकारी मंत्री खूब इन्वॉल्व है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इसको स्वतंत्र एजेंसी से इसका जांच होना चाहिए। तो सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे। सांसद महोदय, एक आखिरी सवाल आपसे, सुनील कुमार जिनको आरसीडी का सचिव बनाया गया, ये मनरेगा घोटाले में भी इन पर तलवार लटक रही है जांच की, ईडी के आरोपी है ये? सभी लोग बोले, मैंने पहले कहा चाहते लोगों को काम देने का इस सरकार का आदत है, उसमें सारे पदाधिकारी है, यदि उनको पहले भी सूचना दिया गया है, यदि वो जांच कराए रहते तो आज ये चीज नहीं होता। जब दिखे हैं तब इन लोगों का ये इस तरह का कमेटी के ऊपर आरोप लगता है, तो कमेटी के लोग दोषीवार है, पर कार्रवाई करें जी। बिल्कुल, कमेटी के लोग दोषीवार, उस पर कार्रवाई करें। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए सांसद महोदय। तो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि कमेटी के लोग दोषी हैं। अभी अभी आप सुन रहे थे राज्य के एक सांसद को, चंद्र प्रकाश चौधरी साहब, सीधा आरोप आरसीडी पर है कि अभी तक का झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला निकल कर आएगा। एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी राकेश का। राकेश, आपसे एक जानकारी चाहिए, आप शुरू से देखते रहे हैं, सुनील कुमार जो आरसीडी के सचिव हैं, क्या मनरेगा घोटाले के यही आरोपी हैं जिनका अशोकनगर में बहुत बढ़िया मकान भी बना हुआ है और ईडी की रडार पर भी है, तलवार लटक रहा है इनके ऊपर, ये वही सुनील कुमार है या कोई और सुनील कुमार है? बिल्कुल, देखिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उससे ये ताल्लुक रखते हैं और इन पर ईडी की तलवार लटक रही है। मनरेगा घोटाले में भी इन पर जांच के जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं, अब वो दिशा, उस दिशा में प्रयास कितने तेज हुए ये देखना है, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के जद में ये भी है और संभवतः आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। देखिए 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का काम ऐसे ही नहीं मिल जाता है अभिषेक, जब तक आपका लिंक नहीं है, जब तक ऊपर से आदेश आपके लिए नहीं आता है तब तक आपको काम नहीं मिल सकता है।
विभाग के सचिव हो या संबंधित विभाग के मंत्री हो, उनके तरफ से संबंधित संवेदक को लेकर जब तक कोई आदेश विभाग तक नहीं जाता तब तक इतना बड़ा काम उनको आवंटित नहीं हो सकता है। ये बहुत साफ और क्लियर है। आप देखेंगे कि एक ही कंपनी जिनका है वो लोग दो तीन छोटी कंपनियां बनाकर रखते हैं, डमी कंपनी रखते हैं, और एक साथ तीन कंपनी के नाम से या दो कंपनी के नाम से टेंडर डाला जाता है और ये कहा जाता है कि यही दो कंपनी है, इन्हीं दो कंपनी को जो है वो काम टेक्निकल में उनको पहले निकाला जाता है और फिर फाइनेंशियल बीड भी उन्हीं दो कंपनियों के नाम से निकाला जाता है जिसमें एक कंपनी को काम मिल जाता है। दरअसल इसके पीछे एक ही ये कंपनी होती है और उनके ये जो पेपर होते हैं वो सपोर्टिंग पेपर होता है। तो इसी तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है झारखंड में, हर विभाग में इसी तरीके की परिपाटी, इसी तरीके का चलन जो है वो व्याप्त है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, हर विभाग में इस तरीके की परिपाटी, इस तरीके का चलन है, लेकिन सांसद का आरोप है कि इस मामले में कई सफेदपोश संलिप्त हैं, विभागीय मंत्री से लेके सभी लोग इस पूरे मामले में। टेंडर कमेटी को भी उन्होंने बता दिया कि दोषी हैं, स्वतंत्र एजेंसी से जांच चाह रहे हैं, किसके अंतर्गत यह विभाग आता है, कौन से मंत्री हैं इस विभाग के, पथ निर्माण विभाग के। राकेश, विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन है, मुख्यमंत्री ही उस विभाग के मंत्री हैं। जाहिर तौर पर अगर इतना बड़ा खुलासा चंद्रप्रकाश चौधरी कर रहे हैं तो इस पूरे विषय पर मुख्यमंत्री जरूर संज्ञान लेंगे, जरूर जांच के आदेश देंगे। और न्यूज 11 जिस तरीके से इन चीज़ों को प्रमुखता से दिखा रहा है, चाहे वो विभाग के सचिव हों या फिर विभागीय मंत्री हों, हम लोग भी उनसे अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार को 100 करोड़ से ज़्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है तो सरकार को इस दिशा में जाँच करना चाहिए, कोई कमेटी गठित करनी चाहिए और वो उस कमेटी से इस पूरे टेंडर प्रक्रिया की जो है उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर कहीं गड़बड़ी है सरकार की नज़र में, अगर पाया जाता है कि गड़बड़ी, हालांकि चंद्रप्रकाश चौधरी ने जिस तरीके से आंकड़े पेश किए हैं उससे साफ है कि बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी हुआ है, बहुत बड़ी साजिश हुई है, गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार को चाहिए कि कदम आगे बढ़े और इस दिशा में कोई कमेटी गठित करें और कमेटी से पूरे मामले की जांच कराएं और तब तक जितने भी टेंडर हुए हैं उन तमाम टेंडरों को रद्द कर दिया जाए। अभिषेक, राकेश, एक सवाल और जहन में आ रहा है, ये जब देख रहा हूं जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं चंद्रप्रकाश चौधरी ने, ज्यादातर काम राकेश संथाल के हैं, ज्यादातर काम साहेबगंज दुमका इन्हीं जगहों का काम मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लातेहार है, लोहरदगा है, ग्रामीण इलाकों के काम ज्यादातर है। राकेश, देखिए आरसीडी का जो काम है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जाहिर तौर पर अभी सड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा काम झारखंड में हो रहा है, आने वाले समय में चूंकि चुनाव भी है तो उसके मद्देनज़र भी आप देखेंगे कि लगातार टेंडर जो है वो निकाले जा रहे हैं, गांव तक को की जो सड़कें हैं उसको सुदृढ़ की जा रही है, मरम्मती का काम चल रहा है, नई सड़कें बन रही है, तो इस विभाग में बहुत काम है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो काम जो संवेदक को मिला है, चाहे वो राजीव कंस्ट्रक्शन हो चाहे गंगा कंस्ट्रक्शन हो, इनको जो काम मिला है वो दुमका में मिला है, साहेबगंज में मिला है और 100 करोड़ से ज़्यादा का काम मिला है। अभिषेक, 100 करोड़ से ज़्यादा, 250-300 करोड़ रुपयों का काम है। और जो गंभीर मामले हैं राकेश, कई विभाग इसकी चपेट में आ सकते हैं, सीधे सीधे केंद्रीय जांच एजेंसियों को सांसद महोदय ने चिट्ठी लिख दिया है, मंत्रिमंडल निगरानी को भी चिट्ठी लिखी है और जो कयास लगाए जा रहे हैं बहुत तेजी से कि बहुत जल्द ईडी इस मामले पर ईसीआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर सकती है और ईडी के रडार पर तो पहले तो सुनील कुमार हैं ही साहब। राकेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का घोटाला हुआ है, जिस तरीके के खुलासे हुए हैं और आपने पूर्व में भी देखा होगा ग्रामीण विकास विभाग में किस तरीके से ईडी ने दबिश बनाई और वहाँ भी करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो सामने आया और उसकी जद में विभाग के कई अधिकारी भी आए, आज भी वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, बेल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो वीरेंद्र राम हो चाहे उनके परिवार के लोग हों, उनके अधीनस्थ जो लोग थे उनकी बात कर ले या विभागीय मंत्री की बात कर ले, आलमगीर आलम उस वक्त ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हुआ करते थे, तो ऐसे तमाम चेहरे ईडी की जो रडार पर थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। तो अगर ईडी इस मामले में त्वरित एक्शन लेती है तो आप देखेंगे कि कई बड़े चेहरे और उनके अधीनस्थ जो लोग काम कर रहे हैं वैसे चेहरे आपको आने वाले दिनों में सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। तो ये देखना होगा कि इस खुलासे के बाद ईडी
का एक्शन क्या होता है, सीबीआई क्या इसमें इन्वॉल्व हो पाती है, क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी ने सभी एजेंसियों को पत्र लिखकर बकायदा इसकी सूचना दी है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, राज्य सरकार का जो अपना निगरानी और समन्वय विभाग मुख्यमंत्री को होता है वहाँ भी उन्होंने पत्र को भेजा है, इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है, विभाग के जो सचिव है उनको भी पत्र प्रेषित किया गया है। तो अब ये देखना है कि इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट कितना तेज़ी से होता है या उससे पहले राज्य सरकार कोई कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराती है। अभिषेक, राकेश, जिस तरीके से विभागों में टेंडर के घोटाले हो रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ईडी ने खुलासा किया आलमगीर आलम साहब गिरफ्तार हुए, नोटों का पहाड़ बरामद हो गया, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ये दो ऐसे विभाग हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, और मतलब कमीशन का रेट फिक्स है कि अब तो 10% से 12% तक पीसी लोग नाम दे दिया इन लोगों ने, पीसी प्रोसेसिंग चार्ज, हर चेक के साथ कमीशन की राशि कटकर कैश में दिया जाता अभियंताओं को, और उसके बाद संवेदक का जो है वो टेंडर उनको पूरा मिलता है, उनकी राशि उनको निर्गत की जाती है। आरोप जिस तरीके के है राकेश, गंभीर आरोप है सांसद के, और जांच की मांग भी गंभीर है, भाजपा के तेवर आक्रामक हो गए इसको लेकर। इससे पहले आपने देखा होगा कि बिजली विभाग में भी 100 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का जो मामला है वो प्रकाश में आया है, कल इस पर बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सरयू राय के तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई और उनके तरफ से भी ये कहा गया कि ये पूरा जो खेल है ये 100 करोड़ का नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा, लगभग 500 करोड़ का है, और उस मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो इस तरीके की चीज़ें झारखंड में शुरू से होते आया है, कोई नया चीज़ ये झारखंड में नहीं है। लेकिन जो इंजीनियरिंग विभाग है, चाहे वो भवन निर्माण विभाग हो या आरसीडी हो, इन जगहों पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि टेंडर कैसे उसकी कमीशन की राशि पहले से ही निर्धारित होती है, कहीं 7% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है, तो हर जगह का अपना अपना रेट फिक्स है अभिषेक। और पहले वो राशि संवेदक संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं जिनके मार्फत उनको ये काम मिलना है उन तक ये राशि दे दी जाती है, और उसके बाद जब ये राशि उनके जेब में पहुंच जाता है उसके बाद ही फिर फाइनल टेंडर उनके नाम से खुलता है। तो यही पूरा तरीके से एक नेक्सस पूरे विभाग में काम कर रहा है, पूरे झारखंड में इसी तरीके से काम हो रहा है, सिर्फ आरसीडी ही नहीं, ग्रामीण विकास विभाग में इसी तरीके से काम हो रहा है, जल संसाधन विभाग में इसी तरीके से काम हो रहा है, आप देखेंगे कि भवन निर्माण विभाग में इसी तरीके से काम हो रहा है। तो ये अभी चूंकि एक मामला आरसीडी से जुड़कर आया है और उस पर चंद्रप्रकाश चौधरी ने एक गंभीर जानकारी दी है, जो कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अब इस दिशा में सोचना होगा कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें हो रही है, और हो अगर रही है तो इसका रोकथाम का उपाय क्या है, इसको लेकर क्या कोई कमेटी बनेगी नहीं बनेगी, जांच होगी, अगर होगी तो किस स्तर पर होगी, विभाग के कौन कौन अधिकारी उस जांच के जद में आएंगे, क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी जो हैं, विभागीय सचिव से लेकर विभागीय मंत्री, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसके बाद ही इस तरीके से टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अभिषेक, बिल्कुल, तमाम तरीके की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो कोई भी विभागीय सचिव ये बोल के पल्ला तो नहीं छुड़ा सकते कि टेंडर कमेटी के प्रमुख अभियंता प्रमुख होते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है। साहब, आपकी नाक के नीचे, आपकी आंख के नीचे लगातार किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाया जा रहा है, कुछ संवेदकों को छांट लिया गया है, उन्हीं को बार बार बड़े बड़े ठेके मिल रहे हैं, और इसके अलावा बाकी लोगों को नॉन कॉम्प्रिहेंसिव बताकर छांट दिया जा रहा है, और आपके मन में सवाल तक नहीं आ रहा, तो निश्चित तौर पर जांच का दायरा तो आपके इर्द गिर्द भी जाएगा। तो हम बात कर रहे थे झारखंड में 100 करोड़ का टेंडर घोटाला, एक और टेंडर घोटाला, कुछ और जानकारियां मिली हैं, कुछ और कंपनियां हैं जिन कंपनियों ने पूरे दाल से घी निकाल लिया है, और अब बाकी लोग जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं पथ निर्माण विभाग के, उनको काम नहीं मिलता। ये सूचनाएं जो चंद्रप्रकाश चौधरी ने डाली हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी ने जो शिकायत की है, ये सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त की गई सूचनाएं हैं। हालात सोच लिए झारखंड के एक विभाग का, पथ निर्माण विभाग का, जो कि मुख्य विभाग एक माना जाता है, ये मलाईदार पोस्टिंग का विभाग माना जाता है। एक बार फिर से आपको ग्राफिक दिखाते, देखिए वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो हमाम में पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं, दिखाते हैं आपको एक बार। 106 करोड़ 69 लाख के घोटालों का खुलासा, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आंकड़ों के साथ किया खुलासा, ईडी से सांसद ने की लिखित शिकायत,
ईडी जल्द दर्ज कर सकती है ईसीआईआर। ईडी के साथ सीबीआई मुख्य सचिव और आरसीडी सचिव को भी शिकायत। सुनील कुमार है पथ निर्माण विभाग के सचिव, उनकी तस्वीर लगी है न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। सुनील कुमार के कार्यकाल में ही हुआ है टेंडर घोटाला, जो आरोप है बीओक्यू राशि से ज्यादा राशि पर किया जा रहा है टेंडर अलॉट। सफेदपोशों के चहेते ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुंचा रहा आरसीडी। नियमों को ताक पर रख बढ़ा दी जा रही टेंडर की राशि। राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को गोड्डा में 74,81,00,000 का काम दिया गया। इस काम की बीओक्यू राशि महज 68,10,00,000 रुपए थी। जयमाता दी कंस्ट्रक्शन को 30,90,00,000 का काम दिया गया। काम की बीओक्यू राशि 28,74,00,000 रुपए थी। अरविंद कुमार सिंह को 19,00,00,000 में काम आवंटित हुआ। गंगा कंस्ट्रक्शन को 134,00,00,000 में काम आवंटित हुआ। एडी इंफ्रा को 29,48,00,000 में काम का आवंटन। राजवीर कंस्ट्रक्शन को दुमका में मिला 89,99,00,000 में काम। मिनी कंस्ट्रक्शन को 50,31,00,000 में काम आवंटित। डीआरएपीएल इवरेक्शन को जमशेदपुर में 252,00,00,000 में काम आवंटित। एके इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को रांची में 8,00,00,000 का काम। एसआरई एंड एसोसिएट को रांची में 105,00,00,000 का काम आवंटित। एमएस स्वर्णिम कंस्ट्रक्शन को रामगढ़ में 17,00,00,000 का काम आवंटित। पूजा हमिंगबर्ड डीसी नाम की कंपनी को लातेहार में 67,00,00,000 का काम। चित्रा कंस्ट्रक्शन को विभाग ने दिया 15,00,00,000 का काम। एसआरई एंड एसोसिएट को फिर से 169,00,00,000 का काम रांची में। भारत वाणिज्य ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड को 267,00,00,000 का काम आवंटित। एमएस मोहनलाल जैन को दुमका में 43,00,00,000 का काम। वेलजी रतन सोरथिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को साहिबगंज में 41,00,00,000 का काम। एसआरएमबी कंस्ट्रक्शन को लोहरदगा में 68,00,00,000 का काम आवंटित। सभी कार्यों को प्राकृत राशि बीओक्यू से बढ़ाकर संवेदकों को आवंटित किया गया। ऊपर दिए गए कार्यों के लिए बीओक्यू से 106,69,00,000 रुपए बढ़ाकर आवंटित किए गए काम। टेंडर आवंटन के लिए आवश्यक है टेंडर कमेटी का निर्णय। सचिव से शिकायत के बाद क्या रद्द किए जाएंगे टेंडर, बड़ा सवाल। ग्रामीण विकास विभाग के बाद आरसीडी में टेंडर घोटाले का खुलासा। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर रुक करते हैं राकेश का। राकेश, सचिव से जो शिकायत की गई है, अभी अभी सांसद महोदय से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि सचिव महोदय भी खुद आरोपों के घेरे में है ईडी के, उन पे भी तलवार लटक रही है, और सचिव कह रहे हैं कि अभियंता प्रमुख जो होते हैं वो टेंडर कमेटी के प्रमुख होते हैं, ऐसा सचिव सुनील कुमार ने हमारे सहयोगी शाहनवाज को बताया है। राकेश, क्या सचिव से शिकायत कर सांसद महोदय का कहना है कि उनको जांच करनी चाहिए, उनको जब मैंने एक सांसद होने के बाद पत्र प्रेषित किया है तो जांच करना, शिकायत पर जांच करना उनकी उनका काम है, लेकिन अभी तक तो सचिव महोदय कुछ कह नहीं रहे इस मामले पर। राकेश, क्या जांच के आदेश आ सकते हैं देर शाम तक? देखिए, थोड़ा इंतजार करना होगा अभिषेक, क्योंकि जैसे ही ये खबर प्रकाश हुई है न्यूज 11 के टीवी स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे कि पूरी खलबली जो है वो मच गई है पूरे महकमे में। अब यह देखना होगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी के इस लिखित पत्र के बाद क्या विभाग के सचिव इस पूरे मामले की जांच कराते हैं, क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर कोई कमेटी गठित करती है। तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर थोड़ा इंतज़ार करना होगा, कम से कम कुछ घंटे तो इंतज़ार करना ही होगा अभिषेक, क्योंकि खबरें लगातार चल रही हैं और उस खबर पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा नेक्सस इस पूरे प्रकरण में जुड़ा और 100 करोड़ से ज़्यादा का राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है। तो ये प्रक्रिया जो है, चूँकि ये कंटिन्यू प्रोसेस में है, अभी भी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू नहीं है, तो दनादन विभाग में, हर विभाग में टेंडर जो है वो किए जा रहे हैं। ग्रामीण में हो रहा है, पथ निर्माण विभाग में हो रहा है, भवन में हो रहा है, पेयजल विभाग में हो रहा है, तमाम विभागों में कोशिशें यही है विभाग के स्तर से ज़्यादा टेंडर जो हैं वो किए जाए, क्योंकि समय कम है। तो उसको देखते हुए टेंडर की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस खबर के बाद क्या टेंडर की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लगता है, क्या कोई जांच
का आदेश सचिव के तरफ से या राज्य सरकार के तरफ से, क्योंकि सीधे सीधे ये जो विभाग है ये मुख्यमंत्री के अधीन है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उनको लेकर भी उठ रहा है। तो क्या सरकार के स्तर से, मुख्यमंत्री के स्तर से कोई जांच कमेटी गठित करने की बात होगी? क्या कोई जांच कमेटी गठित की जाएगी और पूरे मामले की जाँच होगी निष्पक्ष तरीके से? तो ये कई सवाल हैं जिस पर फिलहाल इंतजार करना चाहिए अभिषेक, कुछ घंटों का इंतजार, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस दिशा में क्या कुछ सरकार के स्तर से या विभाग के स्तर से होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल राकेश, निश्चित तौर पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ दिख रहा है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को भी और विभाग को भी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं न्याय का। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज 11 भारत में आपने देखा, अभी हमने खुलासा किया पथ निर्माण विभाग में घोटाले का, 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। पथ निर्माण के विभाग के सचिव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सुनील कुमार साहब हैं और पहले से आरोपी है मनरेगा के घोटाले में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।